वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एजुकेशन इन हिंदी चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक्सेल का एक छोटा सा एक टिप लेके आया हूँ। तो इस टिप का नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब जैसे कि मेरा प्रीवियस वीडियो था, आप किस तरह से आप अपना टेक्स्ट को किसी अदर लैंग्वेज पे कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, तो आज यहाँ पे मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे कि आप MS Office का जितना भी सारा सॉफ्टवेयर से मतलब MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, आप उनमें किस तरह से आप अपना लैंग्वेज जो है होम लैंग्वेज उसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर तो हम सबको पता ही है, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अपना लैंग्वेज पे आप कोई भी मैटर आप इस ऑफिस सॉफ्टवेयर पे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो आपको जाना है दोस्तों रिव्यू पे जाना है और आपको ऑनलाइन रहना है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है आपको ऑनलाइन रहना है, क्योंकि ये ऑनलाइन पे वर्क करेगा। अगर आपका प्रीलोडेड है ऑलरेडी कंप्यूटर पे है ऑफलाइन डिक्शनरी, तो अगर आपने ऑफलाइन डिक्शनरी लोड करके रखे तो ये ऑफलाइन पे भी वर्क करेगा। तो ऑफलाइन किस तरह से डिक्शनरी लोड होता है, किस तरह से आप रख सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो पे मैं लेके आऊंगा। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं ऑनलाइन अगर कनेक्टेड रहते हैं आप और उसको आप अगर अपना ओन लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना है रिव्यू। दोस्तों रिव्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ट्रांसलेट, यहाँ पे कभी कभार हम लोग इग्नोर कर देते हैं इस ऑप्शन को। तो इस पे आप देख सकते हैं जो आप अपना टेक्स्ट जो है उसको अपना ओन लैंग्वेज पे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन रहना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक यहाँ पे बॉक्स आ गया है। तो इस बॉक्स पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि आपको क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे हेलो फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डाल दिए। तो हेलो फ्रेंड्स डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको कन्वर्शन जो है वो आपको कौन सा लैंग्वेज पे करना है। जैसे यहाँ पे मेरा प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश चूज किया हुआ है। और यहाँ पे सेकेंडरी लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी पे किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चूज करना है हिंदी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा और भी लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हिंदी है, इसके बाद में और हिंदी, देन इंडोनेशिया, देन इटालियन, जापानीज, और यहाँ पे बहुत सारा है मलेशिया। तो आप कोई भी लैंग्वेज पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज। जितना सारा यहाँ पे लैंग्वेज है इस लैंग्वेज लाइब्रेरी पे आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर बंगाली चाहिए, अरबिक चाहिए, चाइनीज चाहिए, तो कोई भी लैंग्वेज जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको हिंदी रखता हूँ। तो हिंदी रखने के लिए आपको क्या करना है, हिंदी यहाँ से हिंदी चूज कर लेना है। और हिंदी चूज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ऑटोमेटिकली आपका जो हेलो फ्रेंड्स है उसका कन्वर्शन यहाँ पे निकल के आ चुका है, नमस्कार दोस्तों। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को आप अपना लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी सेकेंडरी लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। अगर इंसर्ट पे क्लिक करने से आपको क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपका ए टेक्स्ट आ जाएगा। तो आप इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और कॉपी करके आप कोई दूसरा फॉर्मेट वगैरह पे भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं कॉपी करके भी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट करने से आपका देखिए, जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे नमस्कार दोस्तों यहाँ पे आ गया है टेक्स्ट। अभी मान लीजिए कॉपी का क्या फंक्शन है, तो कॉपी का फंक्शन मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आप यहाँ पे कॉपी ले सकते हैं। कॉपी लेने का बाद, कॉपी करने के बाद आप जैसे कि जा सकते हैं जैसे वर्ड आर्ट इंसर्ट इंसर्ट पे चले जाइए और यहाँ पे वर्ड आर्ट पे चले जाइए। वर्ड आर्ट पे आने के बाद कोई भी वर्ड आर्ट फॉर्मेट आप ले सकते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट कर दे सकते हैं जैसे कि कंट्रोल वी से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कोई भी फॉन्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट जो है आपका हिंदी का वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसके बाद में आप यहाँ पे ओके क्लिक कीजिए और आपका जो टेक्स्ट है वो आप कहीं पे भी वर्ड आर्ट या हो वर्ड आउट हो या टेक्स्ट बॉक्स हो, कहीं पे भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे MS Word पे भी कर सकते हैं, MS Excel पे भी। आपको रिव्यू पे जाना है और ट्रांसलेट वही फंक्शन वगैरह वही चीज आपको करना है। और MS PowerPoint तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं जैसे कि फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पे आ गया है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे सिस्टम वही एक ही फॉर्मेट, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं। पावर पॉइंट पे भी आप वही फंक्शन आप कर सकते हैं। स्लाइड पे जाने के बाद आप टेक्स्ट स्लाइड पे आना है, उसके बाद में आपको रिव्यू पे जाना है और ट्रांसलेट ऑप्शन को
क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हैं वही आपको यहाँ पे लिख लेना है, जैसे कि वेलकम। तो वेलकम का जो हिंदी टेक्स्ट है तो वो यहाँ पे निकल के आ चुका है, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे खत्म होता है आज का वीडियो ट्यूटोरियल जो है ट्रांसलेट के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का छोटा छोटा टिप और आपको कंप्यूटर ट्यूटोरियल भी मैं यहाँ पे डालता रहूंगा। और यहाँ पे जैसे कि कोचिंग का, जैसे SSC गाइड हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये सब भी मैं यहाँ पे धीरे धीरे डालता रहूंगा। और अगर आपका कुछ कमेंट है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। आज का ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है दोस्तों, और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।